नमस्कार दोस्तों, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 27 दिसंबर 2023 और जस्ट 4 दिन बाकी है इस साल 2023 को खत्म होने में। उसके बाद नया साल 2024। ये जो ईयर एंड है, यहाँ पे मार्केट इज इन हॉलीडे मोड, सो मेजर कोई ट्रेंड एक्सपेक्टेड है नहीं। फिर भी हम एक नजर रखा करेंगे इस 4-5 दिन के मार्केट का, ताकि जब 7th या 10th जनवरी ऑनवर्ड्स मार्केट में एक मोमेंटम कैप्चर करने का प्रयास करेगा, तब हम ये जो मार्केट ट्रेंड के साथ रह पाएंगे। सो डॉलर इंडेक्स जो कल के दिन क्लोज हुआ है, वो है आपका 101.71, अभी है आपका 101.55। ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है, एक लोअर एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड। जो डाउन ट्रेंड आपका नवंबर ऑनवर्ड्स आया था, उस डाउन ट्रेंड का एक लोअर एंड पे जाके प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर हम आरएसआई डेली का देखेंगे तो बिलो 40 है, 33.48। What it says that daily time frame पे dollar index bearish, weekly also RSI जो है वो है आपका 37.69, ये भी below 40 है, जो bearish trend का एक सूचक है। So यहाँ पे अगर broader chart को देखेंगे, जो हमारा major support level है वो है आपका 99.60 से 100.10 के बीच में, जो आपका लेवल आया था जुलाई 2023 को। उस लेवल के तरफ आने वाले समय में पहुंचने का एक प्रयास कर सकता है। जो होने वाला है वो होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद ही। डॉलर रुपी साइडवाइज कंसोलिडेशन जारी है, अभी आपका 83.16 का है। आरएसआई जो है साइडवाइज कंसोलिडेशन में है, बिकॉज ये आपका 46.59 जो 40-60 के बीच में है, तो यहीं पे इसी रेंज के अंदर में, ब्रॉडर रेंज के अंदर में, जो नीचे की तरफ 82.80 से 82.90 एंड ऊपर की तरफ आपका 83.40 से 83.50। यहाँ पे कोई नया एनालिसिस है नहीं। सो सबको पता है डॉलर रुपए एक रेंज के अंदर में अटक गया है। सो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा कब ये रेंज से बाहर आए। जीबीपी डॉलर का जो कल का क्लोजिंग था वो था आपका 1.2723। अभी ये क्या कर रहा है, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस में मीन्स स्ट्रगल कर रहा है इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए। कौन सा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 1.2730 से 1.2750। सो यहाँ पे कंसोलिडेट करने देते हैं, ताकि जब मार्केट में ऑल पार्टिसिपेंट्स विल स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन द एक्टिविटी एंड मार्केटिंग ट्रेंड में जाने का प्रयास करेगा, उस समय हम तैयार रहेंगे कि मार्केट किधर जाने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है खुद को। एज ऑफ नाउ ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है, करने देते हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या होता है। अभी आते हैं आपका जीबीपी आईएनआर जो है वो है आपका 105.77 लेवल पे अभी है। ये भी इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस जो है वो है आपका 106.10 से 106.50 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है जो है आपका 106.80 से 107.20 का। सो ऊपर की तरफ काफी रेजिस्टेंसेस है। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे जो प्राइस एक्शंस बन रहा है ये नीचे जाने के लिए तैयारी कर, तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं आपका यूरो डॉलर अभी है 1.1031। ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ के जस्ट
कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी ऊपर की तरफ मींस एक मोमेंटम देने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इस जोन को अगर जैसे ही तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है आपका 1.1270 से 1.13 का, उस लेवल तक जाने का ये प्रिपरेशंस चल रहे हैं। यूरो आयनर अभी है आपका 91.75। यहाँ पे ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन पे ये अटका हुआ है, उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, कौन सा, 92.40 से 92.60 के रेजिस्टेंस। सो हमें देखना है ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स है, इस रेजिस्टेंस लेवल्स को आने वाले दिनों में प्राइस कैसे टैकल करते हैं। डॉलर येन 142.61, ये नीचे के तरफ आफ्टर ये जो 13-14 नवंबर के बाद जो एक शार्प सेलिंग हमने देखे हैं, इस सेलिंग के बाद अब ये जो प्राइस है कंसोलिडेट कर रहा है एट द लोअर एंड। इस प्राइस को कंसोलिडेट करने के बाद क्या ये नीचे के तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये अगर नीचे के तरफ ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होना चाहिए वो है आपका 137.75 से 138.75 का, जो आपका जुलाई 2023 को देखा गया था। येन आयनर अभी है 58.30, ये ऊपर की तरफ एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 59.10 से 59.70 का, एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए एक अच्छा खासा तगड़ा इफोर्ट देना पड़ेगा, लेकिन प्राइस एक्शंस थोड़ा सा मोमेंटम लॉस के तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, एक बार अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे डेली बेसिस पे येन आईएनआर के स्पॉट जो चार्ट वो क्लोज दे देगा प्राइस, इन सच ए केस इसका जो अपवर्ड बायस है वो काफी नरम पड़ जाएगा एंड प्राइस मे कम डाउन टूवर्ड्स द लोअर एंड। यहाँ पे आपका ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है इसका इंतजार हमें रहेगा, इस इंतजार के बाद ही अगर क्लोज देते हैं देन एंड ओनली देन द पॉसिबिलिटी ऑफ येन आयनर 2 सॉफ्ट। डॉलर कैंडी 1.3200, ये आपका जो आप देखोगे एक मंथली ट्रेंड लाइन, ये जो मंथली ट्रेंड लाइन के नीचे दिसंबर मंथ का क्लोजिंग दे रहे हैं, ये जो मंथली ट्रेंड लाइन है इसके नीचे एक शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए ये दिसंबर का जो बचा कुचा 4-5 दिन बाकी है उसको क्लोज देना पड़ेगा। देन यहाँ पे आप देखोगे जुलाई मंथ का एक लो है, वो है आपका 1.3092। इस लो के नीचे एक अच्छा खासा कैंडी एप्रिसिएशन, कैनेडियन डॉलर एप्रिसिएट करना चाहिए। ये हो गया आपका डॉलर कैंडी का मंथली, डेली में अगर हम देखेंगे काफी बियरिशनेस है, सो सेल ऑप्टिक्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। अभी ऑसी डॉलर में हमारा तो टारगेट सेकंड लेवल का जो टारगेट था वो अचीव कर चुका है। अभी ये जो 0.68 में हम एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका अभी तक इंडिकेशंस नहीं है, क्या रेजिस्टेंस है RSI, क्या ये 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आएगा समथिंग लाइक दिस, इसका हमें इंतजार है, और क्या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, लेकिन इतना इमीडिएटली इतना मेजर कोई ब्रेकआउट करना नहीं चाहिए। ऊपर में एक जो मेजर रेजिस्टेंस आपका है वो है आपका ये जोन, क्या जोन है, 0.6880 से 0.6910 का एक वीकली पर्सपेक्टिव में एक मेजर रेजिस्टेंस, क्या आने वाले दिनों में
प्राइस इस जगह पे रेजिस्टेंस लेते हैं, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। सीएनएच सीएनएच कंसोलिडेट नीचे के तरफ डबल बटन बना के कंसोलिडेट करके ये ऊपर की तरफ जाने का तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि सीएनएच में ट्रेड टुवर्ड्स 7.1950 से 7.20 के तरफ। नेक्स्ट इज ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड जो कल एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल दिया है, आप अगर हमारा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे और एक स्पेशल वीडियो भी था जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट था 79, वो जो मेट हो चुका था, एंड हमारा सेकंड टारगेट इज 84। लेकिन सेकंड टारगेट 84 जाने के लिए टू हर्डल्स था। एक हर्डल्स था हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन जो आपका 79-79.30 के बीच में है, एंड दूसरा ये इंक्लाइंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करने के बाद ही देयर आर पॉसिबिलिटीज कि 84 जा सकते हैं। अभी प्राइस उसी डायरेक्शन में जाने का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि दोनों हर्डल्स को ब्रेक डाउन मींस ब्रेकआउट कर चुका है। अभी बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट। यूएस 10 ट्रेजरी 3.884 ये कंसोलिडेट कर रहा है ईयर एंड के लिए। जो भी धूम धड़क का होने वाला है वो आपका न्यू ईयर में ही होगा। मैं कहने का मतलब 7th-10th जनवरी के बाद ही एक धूम धड़क का हो सकता है। टू ईयर ट्रेजरी यहाँ पर भी ये लोअर लेवल पे ब्रेक डाउन करने का तैयारी कर रहे हैं। ये ब्रेकडाउन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 3.73-3.74 का। लेकिन ये बचे कुचे जो 4-5 ट्रेडिंग डेज है, बेसिकली आज वेंसडे है तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, सो तीन ट्रेडिंग डेज है इस साल का, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डैमेज का आशा नहीं कर रहे हैं। जो भी होगा 1st week of January ऑनवर्ड्स। सो यहाँ पे अभी क्या है, पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट हॉलीडे मूड में है, क्रिसमस एज वेल एज न्यू ईयर, तो ज्यादा कुछ ट्रेंडेड मूव आशा नहीं कर रहे। हाँ, वॉलेटिलिटी रहेगा, सडनली बूम करके ऊपर जाएगा या डूम करके नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन एक वो वॉलेटिलिटी हो सकता है, टू वे चॉपी शार्प मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंडेड मूव होगा वो 7-10 January के बाद ही होगा, क्योंकि मेजर प्लेयर्स तभी वापस आएंगे अपने कर्म क्षेत्र। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब, ए जेंटल रिमाइंडर, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।